येन तस्मै श्री गुरवे नमः योम विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। यहाँ पर हम लोग श्रीमन नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के द्वारा विरचित ग्रंथ का चिंतन कर रहे हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका का। उसके अंतर्गत नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं, एक क्रम बतला रहे हैं, एक परिपाटी बतला रहे हैं, जिससे हम लोगों का नाम में अनुराग हो, है ना, वो प्रेम की प्राप्ति हो। ऐसा अक्सर ये प्रश्न हमारे अंदर आता है कि बहुत भजन करते हैं लेकिन कुछ अनुभव नहीं होता। उसका कारण यही है, भजन तो करते हैं लेकिन जिस रीति से करने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें प्रेरणा दिया उसी रीति से हम लोग करने का प्रयास नहीं करते। कैसे करें वो यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर हम लोगों को बतला रहे हैं। ऐसा उसी में सुन रहे थे, पहले उन्होंने गुरुदेव से कृपा प्रार्थना किया, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम करते हैं और वैष्णव से प्रार्थना करते हैं। अभी फिर रूप सनातन गोस्वामी के बारे में बतला रहे हैं कि कौन है ये। वो बोलते हैं जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रसकूप। ये दोनों कौन हैं? प्रेम भक्ति जो रस है उसके कूप हैं, कुआं है। ऐसा इसलिए युगल उज्ज युगल उज्ज्वलमय तनु, दोनों का जो है, दोनों युगल का तनु कैसा है, श्रीअंग कैसा है, शरीर बोलते उज्ज्वलमय है। ऐसा उसी के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। कल हमने सुना किस प्रकार से महाप्रभु ने उनको चुना, क्योंकि वो दोनों ही वृंदावन में रहकर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लुप्त तीर्थों का उद्धार और श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को इस जगत में प्रकाशित कर रहे हैं। उसी को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हुए बतलाया, महाप्रभु जतो बड़ो बड़ो भक्त मात्र
रूप सनातन सवार कृपा गौरव प्राप्त। ऐसा महाप्रभु के जितने भी भक्त हुए हैं रूप सनातन गोस्वामी, उन सब के बहुत स्नेह और कृपा के पात्र थे हमेशा से। इतने महाप्रभु के गण उनको प्यार करते थे। क्या बोल रहे हैं, कोई अगर वृंदावन जाके वापस लौट के आता है और महाप्रभु ने देख लिया कि वृंदावन जाके कोई वापस आया, बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से वहाँ पर रूप सनातन गोस्वामी के कुशल समाचार के बारे में उन लोगों से प्रश्न करते हैं। कुछ पूछे ना पूछे, रूप गोस्वामी कैसे हैं, सनातन कैसा है, ऐसे उनसे प्रश्न करते रहते हैं। वो बोलते हैं कहो तहाँ कैसे रहे रूप सनातन, बोलो वहाँ पर किस प्रकार से रूप सनातन रह रहे हैं, ऐसा कैसे रह रहे हैं। वो बोलते हैं कैसे उनका वैराग्य है और कैसे उनका भोजन है, भोजन रहन साधन किस प्रकार से है, ये क्या कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। भगवान ये सब उनको चाहिए होता है, हमारा वैराग्य, हमारा रहन सहन साधन भजन सब चाहिए होता है। मैं जो है वैराग्य नहीं रखूँगा, दुनिया के भोगों में फंसा रहूँगा और उसके बाद माला कर लूँगा थोड़ा बहुत, नहीं होता। हरि नाम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए किए जाना चाहिए। प्रारंभिक काल में एक विचार अलग होता है, प्रारंभिक अवस्था में शुरू शुरू में जिस प्रकार से एक बच्चा होता है उसको दवाई लेना उसको नहीं पसंद होता है, तो इसीलिए वो दवाई की जगह कुछ और उसमें मिला करके मीठा करके दे दिया जाता है। बैठ जाना ध्यान से सुनने, बाद में पूछूंगा अगर कोई जवाब नहीं दिया फिर सबको हार मैं पहनाऊंगा लाके दादर से। ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। आज सुबह भी प्रभु जी से जब मेरा बात हो रहा था वो यही कह रहे थे, इतने समय से देख रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं वो बोलते हैं सिर्फ लौकिक लाभ तक ही लोग सीमित होके रह रहे हैं हरिनाम को लेकर के। परमार्थिक उन्नति भगवत प्राप्ति प्रेम प्राप्ति का उद्देश्य जो है बोलते दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा वो उसी उद्देश्य से जो है ये कीर्तन कथा इत्यादि सब करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवत प्रेम की तरफ जो है आकृष्ट होकर के आए और भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करें। लेकिन वो दुख कर रहे थे कि लोग सिर्फ दुनिया के थोड़े बहुत लाभ हानि के चक्कर तक सीमित होके रह गए। और हमारे आचार्य तो इस बात को कहते कि आडंबरों में ज़्यादा नहीं जाना है। ऐसा ज़्यादा जरूरी क्या है, हरिनाम में रुचि, हरिकथा में रुचि, ऐसे। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, कैसे रहे वैराग्य, उनका भोजन कैसा है, उनका विरक्ति कैसा है। उनका वैराग्य किस प्रकार से, वैराग्य हर साधक के जीवन में जरूरी है। वैराग्य मतलब क्या है, विगत राग। परम गुरु महाराज जी वैराग्य को लेकर के विशेष रूप से बोलते हैं, परम पुरुष भगवान के पाद पद्म में अनुराग, विशिष्टे परम पुरुषे अनुराग, विशेष रूप से भगवान के श्री चरणों में अनुराग का होना
वो वैराग्य है। और इसके साथ में वैराग्य मतलब क्या है, रागहीन होना। इसका मतलब ये नहीं कि द्वेष हो सकता है, ये द्वंद्व से अतीत वाली अवस्था। और विशेष करके रागहीन होना मतलब है किसी भी प्रकार के विषयों के प्रति उन्मुखता नहीं होना चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से अपने आप को दूर रखना होगा, ये विषय है। हाथ में माला है लेकिन साथ में विषय भी है, गंदगी, वो हमें हरिनाम के करीब जाने नहीं देगा। जब हम हरिनाम के करीब ही नहीं जा सके तो हमारा नाम प्रभु में प्रेम कैसे होगा? जब नाम प्रभु किसी के पास जाएंगे ही नहीं, उससे प्रेम कैसे होगा? होता है दूर में, घर बैठे बैठे दूर में ही से प्यार हो जाता है, जाते हैं। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजेते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणं, ऐसे लेना देना, मन की बात बोलना, मन की बात सुनना। और उसके बाद खाना खिलाना, ये सब चीजों से जो है अपने आप प्रेम होने लग जाता है। ये बहुत बड़ा अनर्थ है। कुपात्र के साथ में जिसका दर्शन स्पष्ट नहीं है, जिनके विचार स्पष्ट नहीं है, उनके साथ अगर इन चीजों का आदान प्रदान करते हैं तो वास्तविकता में सर्वनाश को आमंत्रित करने के अलावा हमारे जीवन में और कुछ बचता नहीं। ऐसा इसीलिए व्यक्ति को वैरागी बनकर के रहना चाहिए, वही से ग्रहण करना चाहिए, उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि जीवन निर्वाह हो सके। और वही से ग्रहण करना चाहिए जिस पात्र से ग्रहण करने पर दोष नहीं लगता है, हम अनर्थों में नहीं फंसते हैं। किसी के भी दिया हुआ कोई भी द्रव्य जो व्यक्ति अपने ऊपर लगाता है, उसके अंदर के जो विकार, उसके अंदर के जितने भी विकार हैं, वो सब क्या होता है, अपने अंदर घुस के आ जाते हैं। उससे हम लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने वैराग्य का भी अभ्यास करके दिखाया, हमें बताने के लिए कि तुम अगर भगवत प्रेम को आस्वादन करना चाहते हो। गुरुजी अक्सर बोलते थे, जहां काम तहां नहीं राम। जहां पर काम है मतलब विषयों के प्रति चिंतन है, वहां पर राम कहां है? जब राम ही नहीं है तो उनके चरणों में प्रेम कहां है? ऐसा विषयों का चिंतन जहां है वहां काम है, वहां गंध घुसा हुआ है, और जहां वो गंदगी है वहां प्रेम के लिए स्थान हो ही नहीं सकता। रवि रजनी नहीं रहे एक धाम, एक ही स्थान के ऊपर एक ही समय में सूर्य और चंद्र एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, ऐसे एक ही रहे। इसी प्रकार से काम क्या है, अंधकार, और प्रेम क्या है, प्रकाशमान सूर्य की तरह है। और अंधकार में फंसा हुआ है जीव, क्यों? विषयों के चिंतन के कारण। इसीलिए बहुत समय तक हरिनाम करते हैं लेकिन माला का संख्या भी बढ़ता नहीं है और माला करने में वो उत्साह भी बनता नहीं है। हर दिन हरिनाम करना एक संघर्ष बना हुआ रहता है। जब जीवन संघर्ष के साथ चल रहा है तो उसका फल कब आस्वादन करेंगे? समझ में आता है? जब हरिनाम करना संघर्ष हो तो नाम प्रभु की कृपा से प्राप्त होने वाला वो प्रेम फल का प्राप्ति कैसे हो सकता है? इसलिए यहां पर बताया
आचार्य लोग आचरण करके दिखला रहे हैं वैराग्य का। ऐसे हमारे आचार्यों ने तो इतने कृपालु है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हें कठोर वैराग्य करो, बल्कि युक्त वैराग्य करो। जो वस्तु सेवा के लिए अनुकूल है, आवश्यक है, उसको तुम ग्रहण करो, मना ही नहीं किया। कोई भी आश्रम में रहो, कोई भी कैसे भी रहो, युक्त वैरागी बनकर के रहो और सेवा करो, भजन करो, भगवान की कृपा को लाभ करो। ऐसा है, कितना बड़ी कृपा है। लेकिन बदजीव इतना ज़्यादा है कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। और अभी तो युक्त वैराग्य को बदजीव जो है आपके लिए, अपने लिए एक भोग का साधन बनाकर इस संसार में घूम रहा है, तो प्रेम कैसे अनुभव होगा? वो जो प्रेम का प्रकाश है, वो शीतल सा जो छाया है, वो हमारे ऊपर कैसे पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा, ऐसे मजाक है। ऐसे तो जो ये भोजन उनका कैसा है, किस प्रकार से, और ये भी पूछ रहे हैं कई छे अष्ट प्रहर करेन कृष्ण भजन, किस प्रकार से आठों प्रहर में वो कृष्ण भजन करते हैं, मतलब पूरा दिन भजन कैसे करते हैं। महाप्रभु इस चीज को जानना चाहते हैं कि महाप्रभु रूप गोस्वामी का पूछ रहे हैं, लेकिन महाप्रभु उनके जितने भी अनुगत हैं उन सभी के जीवन में इस चीज को जानना चाहते हैं। हम सब वास्तविकता में जीवन में वैराग्य रख रहे हैं कि नहीं? और आठ प्रहार के अंदर 24 घंटे में हम लोग भजन किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक से भजन कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ महाप्रभु जानना चाहते हैं। और क्या बोलते हैं? तब उनकी प्रशंसा करते हुए भक्तों के बीच में बतला रहे हैं, क्या बोलते हैं वो भक्त लोग, उनकी प्रशंसा करते हुए महाप्रभु से बतला रहे, क्या बोल रहे हैं? अनिकेतन दोहे रहे जत वृक्ष गण, बोलते हैं अनिकेतन मतलब है कि घर के बिना, कोई घर नहीं है उन लोगों का, कोई घर नहीं, कोई कुटिया नहीं है, वो दोनों बिना किसी कुटिया के अलग अलग वृक्षों के नीचे समय व्यतीत करते हैं। मतलब आज एक पेड़ के नीचे रहने से कल उसके नीचे भी नहीं रहते, क्यों? ये तो वो मौका ही नहीं देते कि ये स्थान में मैं रहा करके। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब मठ में आए थे, कोई कमरा नहीं था मठ में, हमारे लिए मठ में तो था कमरा, हमारे लिए कोई रिजर्व रूम नहीं था। और आया भी तो एक ही धोती से, एक धोती पहना था, एक धोती हाथ में था, मठ में आया। फिर एक कमरे के अंदर दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ, एक दो लोगों के साथ रूम शेयर करना था। वो तो गुरुजी की बड़ी कृपा है, वो शेयर करते 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 16 साल निकल गया था। फिर उसके दो तीन लोगों के हिसाब से हम लोग रह के, लेकिन एक विचित्र बात है, वो एक धोती कब 20 धोती बना वो नहीं पता चला। माया बहुत प्रबल है, हमको पता नहीं चलता। अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ, बिस्तर पे पड़ा हुआ था, तब भी जितने कपड़े नए मेरे लिए आ गया, भक्त लोग लेके आए थे, उससे मेरा सूटकेस पूरा भर गया था जब मैं गोवर्धन लेके गया। और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के, बिस्तर पे पड़े होने के बाद माया ऐसी होती है, मौत के आगे पड़ा हुआ व्यक्ति, उसको इमीडिएट इतना क्या जरूरत है देखा जाए तो। लेकिन बस होता है ऐसा ही। और अभी जो है एक कमरा भी मिल गया, हमारे साथियों ने दया करके एक कमरा मेरे लिए बना दिया और मैं उसमें अब रह रहा हूँ। तो महाराज जी ने एक दिन मुझको बोला कि बेटा तुम मेरे साथ उधर रहो,
और मैंने महाराज जी को बोला कि नहीं, मैं अब अपने ही कमरे में रहूंगा। अब मेरा कमरा कहाँ से है देखा जाए तो, लेकिन मैं मुख से ऐसे बोला था, नहीं मैं अभी अपने कमरे में रहूंगा और नहीं, अब मुझे जोर नहीं कर, मेरा कहाँ कमरा है। लेकिन बद्ध अवस्था ऐसा ही होता है, अंदर से आ गया मन में कि मेरा कमरा, मेरा कपड़ा, मेरा ये। मैं कई बार बैठ के सोचता हूँ कि गुरुजी अगर अपनी कृपा को पीछे करे तो फिर अब तो वो दो धोती में से एक धोती भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतने साल में तो फटी जाना उसने तो। ऐसा ये केवल उनकी दया से मिला, लेकिन भोगी व्यक्ति की दृष्टि से वो वस्तु ऐसा लगता है जैसा कि मेरे लिए भोग का उपकरण है। हमारे आचार्यों ने इसलिए आचरण करके दिखाया, वो लोगों ने कभी वो मौका दिया ही नहीं। अब क्या हम लोग कमरे छोड़ करके पेड़ों के नीचे डोलते हुए घूमेंगे? वो वास्तविकता में प्रैक्टिकल बात है ही नहीं। तो क्या करना है? गुरुदेव के पाद पद्म में आसक्त होकर गुरुस्थान में गुरुदेव की सेवा के उद्देश्य से वास करनी है। वो भी फिर युक्त वैराग्य साधन के अंदर ही आ जाता है। ऐसे नहीं है तो फिर मन में बना रहता है, मेरा कमरा, मेरा कुर्सी, मेरा टेबल, जो यहां पर बता रहे हैं, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात बिताते थे। क्यों बोल रहा हूं ये सब? क्योंकि अगर हम प्रेम को पाना है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं दुनिया का गंध लेकर के रहूंगा और मुझे भगवत प्रेम मिल जाए, वो कभी भी नहीं होगा। इसीलिए ये बात यहां पर आया, कैसे रह रहे हैं, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात सो रहे हैं। देख लो, विप्र गृहे स्थूल भिक्षा कहाँ मधुकरी, क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों के यहाँ पर जाके मथुरा इत्यादि स्थानों में वहाँ पर मधुकरी मांग के लेके आते हैं, भिक्षा मांगते हैं, मांग के खा रहे हैं। क्या बोलते हैं? सूखी हुई रोटी और उसके बाद चना को चिबा रहे हैं भोग छोड़कर। कोई ऐरे गेरे लोग नहीं है, खाने पीने को नहीं मिला था तब जा कर के बाबा जी बना है, ऐसे लोग नहीं है। हुसैन शाह जो राजा है उनके राज्य के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे दोनों, कितने भोग था, इतने भोग के अंदर से बाहर निकल के आए और कैसे रह रहे हैं? पेड़ के नीचे रह रहे हैं, भिक्षा मांग के खा रहे हैं, वो भी सूखा रोटी खा रहे और चना चबा रहे। ऐसे जितना सोचते हैं ना, लेकिन चना खाना इतना आसान नहीं है। चना चबाना भी आसान नहीं, हजम करना भी आसान नहीं है। ऐसा और वो लोग चना खा रहे हैं, सूखी रोटियों को खा रहे हैं। हम लोगों को नरम नरम रोटियां भी चबाना मुश्किल हो जाता है जहाँ पर, और वहाँ पर हमारे आचार्य लोग सूखी हुई रोटियां जो मधुकरी में मिल जाते उनको खा रहे हैं। क्यों नहीं भगवान उनको अपने आप को लुटा देगा? क्यों नहीं लुटाएगा भगवान खुद को उन ऐसे भक्तों के आगे? सनातन गोस्वामी आटे के लड्डू बनाकर, लिट्टी जैसा बनाकर, उसको आग में फेंक कर, कोई बर्तन बर्तन कुछ नहीं, आग ऐसे ऐसे जलाया, उसमें उसको रखा और बस हो गया, अपना बैठ के अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं। वो कच्चा जला, कोई पक्का जला, कोई ज़्यादा जल गया, ऐसे अजीब विकट अवस्था में आ गया वो आटे के पेड़ों को उठा के मदन मोहन मंदिर में जो है उनको भोग लगाते। आज भी वहाँ भोग लगता है वो,
और खाया नहीं जाता, अभी भी नहीं खाया जाता। जब वो देते हैं तो थोड़ा सा, इतने आपने खाया है, और सख्त होता है, भयंकर सख्त होता है, देखा था, वो बड़ा सख्त होता है, और वो एक खाने में रुचि नहीं होता, और उसको सनातन गोस्वामी उसको खा रहे। क्यों नहीं बोलेंगे भगवान ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को? क्यों उनसे बोल रहे हैं नमक लाके दे दो? कई बार सब्जी में नमक नहीं होता, किसी चीज में नहीं होता, कुछ होता, कभी ऐसे हुआ कि भगवान बोल रहे मेरे लिए नमक लेके आओ? लेकिन सनातन गोस्वामी को बोलते थोड़ा नमक दे देना मुझे, और सनातन गोस्वामी सामने से बोल रहे हैं कि आप जाइए कोई और जगह ढूंढ लीजिए जहां आपका सेवा अच्छा हो सके। वो क्या बोल रहे हैं ना, तुमको तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, तुमसे दूर तो जा ही नहीं सकता। कारण क्या है? कारण नमक नहीं है, वो समर्पण है भगवान के चरणों में। इतने वैराग्य, सब कुछ छोड़ दिया। मदर्त्ये त्यक्त्वा कर्माणि त्यक्त्वा सजन बांधव मदाश्रय कथामृष्ट श्रृण्वन्ति च कथयन्ति च। क्या कर रहे हो? मदर थे मेरे लिए, त्यक्त कर्मान, सारा कुछ छोड़ दिया बेचारों ने। ऐसा जितने भी लौकिक कर्म हैं उन सबको त्याग कर दिया मेरे लिए। कर्म अगर छोड़ना भी है वो गोविंद के लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। ऐसे भगवत सेवा के लिए त्यक्त सजन बांधव, अपने स्वजन रिश्ते नातेदार जितने भी अपना भूल करके जोड़े गए सबको छोड़ कर। ऐसा घर वाले दुखी कर रखे हैं, छोड़ के निकल जाओ, ऐसा ना ना इसके साथ नहीं रह सकता, छोड़ के चले जा रहे, ऐसे नहीं। मदर थे मेरे लिए, केवल मात्र मेरा उद्देश्य से त्यक्त छोड़ दिया। किसको? स्वजन को, अपने जो लोग हैं उन सबको छोड़ दो, अपने जो बंध बांधव है उन सबको छोड़ दो। ऐसे और क्या बोल रहे? वो बोलते मेरा आश्रित होकर, छोड़ देने से पर्याप्त है? बोलते ना, मेरा आश्रित होकर क्या कर रहे? निरंतर मेरे ही चर्चा में, मेरा ही कीर्तन में, मेरे ही उद्देश्य से, मुझ में ही रमे हुए। ऐसा उसको और कुछ दिखता नहीं है, उसको केवल भगवान दिख रहे। तो भगवान बोलते मैं कैसे उसके बिना रह सकता हूं? अरे रूप सनातन गोस्वामी ऐसे ही थे, इसीलिए भगवान ने उनको चुना इस सेवा कार्य के लिए। किसी को भी नहीं चुनते, और देखते हैं कि उपयुक्त पात्र है कि नहीं। ये बात हमने पूर्व में सुना, राय रामानंद को, राय रामानंद जी को श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बतला रहे कि इनको उपयुक्त जानकर मैंने क्या किया, मैंने उनके ऊपर कृपा किया, महाप्रभु बता रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं जो ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगकर, जिसको मधुकरी कहते हैं, वो भी सूखा रोटी और चना आदि उसी को खा के समय गुजार रहे हैं। वो बोलते हैं क्या, एक कंथा लेकर के चल रहे हैं। कंथा जो होता है वो जो है रजाई टाइप में होता है, कंबल टाइप, पुराने पुराने कपड़ों का मिला करके सिला हुआ होता है, है ना, जो जो पुराने कपड़े होते हैं उन सबको इकट्ठा करके जैसे सिलते हैं, ऐसी वाली कंथा लेके चल रहे हैं। और छोटा सा कपड़ा शरीर को ढकने के लिए बहिर्वास बना करके उसको पहन के चल रहे हैं, ऐसे नीचे तक नहीं आता पाँव तक, ना घुटना तक आता है, ऊपर तक ही रहता है वो तो, नाभि से लेके नीचे तक, बस इतना ही कपड़ा।
जब उनको नया कपड़ा देने का बात था, किसको? सनातन गोस्वामी को, तपन मिश्र के यहाँ काशी में जब नया कपड़ा देने का बात था, वो ला करके दिया भी है, सनातन गोस्वामी ने स्वीकार नहीं किया। बोलते हैं आपका कोई पुराना वस्त्र दीजिए। पुराना वस्त्र लेकर उसको दो टुकड़ा करके एक कपड़े को रख लिया, दूसरा पहन लिया, बस वही बहिर्वास बना के पहने, बस इतना ही कपड़ा उनका और है ही नहीं, और एक कंथा है बस, और कुछ भी नहीं। ऐसी स्थिति है उनका। और क्या कर रहे हैं? बड़े आनंद में हैं। क्या कर रहे हैं भैया? और बोलते कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन। क्या कर रहे हैं वो? कृष्ण कथा कर रहे हैं, निरंतर भगवत कथा चल रहा है। और क्या कर रहे हैं? कृष्ण कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन चल रहा है। ऐसा और क्या करते हैं? उसी कीर्तन के अंदर नृत्य करते हैं, आनंद के साथ, आनंद के साथ नृत्य कर रहे होते हैं। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंडे शयन। वो बोलते हैं आठों प्रहर भगवान का भजन में लगे हुए हैं, बस चार दंड जो है सो रहे होते हैं। एक दंड लगभग जो है 21-22 मिनट के आसपास में आता है, 22 मिनट के आसपास, मतलब एक ही एक घंटा 20 मिनट, एक सवा घंटा तक मान के चलो जो सोने का है। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी अपने मन की बात बतलाते हुए बोलते हैं, चारि दंड सोते थके स्वप्ने राधा गोविंद देखे, भासे नैने रजले राधे राधे हे राधे। ऐसा समय कहाँ है सोने के लिए? समय कहाँ है? हमको नींद नहीं आता है, हम सोते नहीं हैं, उनको तो सोने के लिए समय ही नहीं है। ऐसा वो अगर सोना भी चाहे, सोचे कि नहीं मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, लेकिन उनको सोने के लिए समय नहीं है, इतना बिजी है। क्या कर रहे हैं? ये आठों याम में, आठों प्रहर में केवल हरि भजन कर रहे हैं, हरि कीर्तन हरि कथा यही चल रहा है, यही चल रहा। ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना विश्राम करने, कुछ है ही नहीं वहाँ। बड़ी मुश्किल से जो चार दंड जो है सोते हैं, वो लोग कह रहे हैं सोते हैं, वो भी तंद्रा है, मतलब ऐसे झपकी जैसे ऐसे ऐसे जैसा आता है बस उतना ही है। ऐसे और उसमें भी वो बोलते राधा गोविंद देव जी दिखलाई दे रहे हैं। अब पूरा देन माला करे जाए करे जाए करे जाए, नाम करे जाए नाम करे जाए, तो फिर और क्या दिखेगा कुछ और? और इतना ही नहीं, वो ऐसा दिख रहा है कि आंखों से पानी भी आ रहा है। ऐसे हम लोग स्वप्न देखते हैं, कई लोग बड़े एक्साइट हो जाते हैं, ये नहीं समझते कि अपन भजन कथा ना कही वो यथा तथा, वास्तविकता में भजन की उपलब्धियों को छिपा के रखना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं जो है ये पा लिया, मैंने वो पा लिया करके, ना अंदर रखो बाहर नहीं बोलना। और इधर तो भजन की उपलब्धियां तो दूर की बात है, कभी कोई भाग्य से सपना आ गया उसको भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर सपने की बात नहीं हो रहा, वास्तव की बात हो रहा। महापुरुष सपनों को गुरुत्व नहीं देते उतना, निश्चित रूप से वो जब तक कि सत्य ना हो उसको महत्व नहीं देते हैं। माधवेंद्रपुरी पाद को सपना नहीं था, वो तंद्रा में, मतलब जागृत ही है, वो इन प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उसी जागृत अवस्था में जो झपकिया है उतने में ही गोपाल ने आके बता दिया कि मैं यहीं पे हूँ।
ऐसा नहीं कि वो सो गए बड़े आराम से उसके बाद बता रहे ना, वो तो बैठे हुए बैठ के प्रतीक्षा कर रहे, देख रहे हैं वो बालक कब आएगा। वो इंतजार करते हुए बैठे हुए माधवेंद्रपुरी पाद को जो झपकी आया थकावट के कारण या जो भी कारण से, प्रतीक्षा करते करते उसी उतने ही समय के अंदर आके बताती भगवान। इधर भी ऐसे ही वही तंद्रा में शिल भारती गोस्वामी महाराज जी से एक दिन सपने को लेके बात हो रहा था, महाराज मुझे कोई हंसी नहीं कुछ नहीं, प्रसाद पा रहे थे, मुझे ऐसे देख के बोलते हैं सपना तो सपना है क्या है उसमें, एक ही शब्द में महाराज ने उसको जो है एक ही शब्द में उठा के बाहर फेंक दिया, चल ऐसे। तो इसलिए महाराज जी का ऐसे ही होता है, उनका उनका तरीका स्टाइल ही अलग है। बैठे हुए थे एक दिन ऐसे ही बात हो रहा था, जैसे कि साधक का जैसे माता पिता का जैसे उद्धार होगा, मैंने बोला जो दादा है दादाजी ओके आगे, महाराज जो है एकदम सीरियस बोले वो क्या किया। तो जो हो कहने का मतलब है हमें समझना होगा यहाँ बात सपने का नहीं हो रहा, यहाँ पर बात हो रहा है बोलते हैं जागृत अवस्था का ही है, लेकिन उसी के अंदर वो जो चार दंड जो वो विश्राम के लिए दिया उसमें भी उनको भगवान का ही उपस्थिति अनुभव हो रहा है ऐसा। ये लोग स्वप्न आदि अवस्थाओं के अंदर भी भगवान की सेवा में ही समर्पित है, हम तो जागृत अवस्था में भी ठीक से सेवा नहीं कर पाते हैं। जगे हुए अवस्था के अंदर जो है हमसे सेवा नहीं होता, और ये लोग स्वप्न और अन्य अवस्थाओं में समाधिस्थ स्थिति में और स्वप्नादि स्थिति में भी ये भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं। क्यों नहीं भगवान अपने प्रेम उनको देंगे, प्रेम 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 चाहिए भाई मधुर। आज ही कोई मुझे पूछा कि गोपी प्रेम का क्या हमें अभ्यास करना चाहिए क्या, कुछ तो ऐसे बात उठा था ध्यान अभी मेरा याद नहीं। ऐसा सबसे पहले अपने आप को सुधारना चाहिए, सबसे पहले अपने अंदर जो भरा हुआ है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरा नहीं निकाल रहा है बोल के हम अपना नुकसान क्यों करें। जितने भी अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के भक्त बोल करके अभिमान करते हैं इस पूरे संसार के अंदर, हर एक व्यक्ति को रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा आचरित इस आचरण को ही लेकर के चलना पड़ेगा, तभी उनको प्रेम का अनुभव होगा, प्राप्ति होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुजी की प्रेरणा से इस चर्चा को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को शोधन करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नाम संकीर्तन के बिना एक दिन भी नहीं रहते थे। आप देखो हम तो एक्सीडेंट के बाद कई दिन तक कीर्तन ही नहीं, कोताही नहीं, कुछ भी नहीं है, 2 महीना बिस्तर पे पड़ा था, कुछ भी नहीं था, स्नान भी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर तिलक कहाँ करना, 12 तिलक करना, ये करना, संध्या करना, कई सारी चीज़ें नहीं। वो लोग तो एक दिन भी नहीं रहते थे ऐसा। हरि नाम के बिना, हरि कीर्तन के बिना जीवन तो मृत्यु से भी ज़्यादा खराब है, ऐसे मानते थे हमारे आचार्यगण। ऐसा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि आचार्य इस प्रकार से रहते थे, नाम कीर्तन के बिना, भगवान के कीर्तन के बिना एक दिन भी नहीं रहते थे। ऐसा हम तो देखा कि बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर कुछ कथा बोलने का प्रयास किया, उसके लिए भी हमको तो बहुत गालियां दिया था तब तो,
प्रभुपाद जी की तिथि? बोला नहीं। मैं बोला ठीक है, श्रवण किया मैंने उस दिन हरिकथा श्रवण किया, लेकिन कीर्तन करने का हमको अनुमति दिया नहीं, फिर भी हमको कुछ हुआ नहीं, हम तो जिंदा ही रह गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे रूप सनातन गोस्वामी हरिकथा हरि कीर्तन के बिना एक दिन भी नहीं जिंदा रहते थे, मतलब रह ही नहीं सकते। कितना कुछ उनका अनुगत करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ये सब पढ़ने से पता चलता है, इनको श्रवण करने से पता चलता है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति रसशास्त्र कराए लिखन। क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति के जो रस से संबंधित शास्त्र उनकी रचना कर रहे हैं। चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। चैतन्य महाप्रभु की महिमा को सुनकर, उनकी कथा को सुनकर, उनके बारे में सुनकर उनका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। जैसे भी कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम धाम से, क्षेत्र मंडल से ब्रजमंडल की ओर आगमन करते हैं, उनसे गौर सुंदर की वाणी को सुनकर, उनकी चर्चा को सुनकर वो लोग उनका ही चिंतन में डूबे रहते हैं। और निरंतर क्या करते हैं? भक्ति रस शास्त्र उनका रचना करते हैं। ऐसा महाप्रभु ने कहा, लुप्त तीर्थों का उद्धार, उस स्थान में जाकर उन तीर्थों का चिंतन करते हुए, जब उन तीर्थों का दर्शन कर रहे हैं, उन तीर्थों को अनुभव कर रहे, उन लीलाओं को देख रहे हैं, उसके बाद उनकी रचना कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं। कुसुम सरोवर के अंदर खड़े होके जैसे देख रहे हैं सनातन गोस्वामी, क्या देख रहे हैं? यही देख रहे कि किस प्रकार से राधा रानी वृक्ष में से फूल तोड़ना चाहती है और कृष्ण जो है डाली को दबा देते हैं, ये सारी लीलाओं को देख रहे हो। किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पर बैठ के हरिनाम कर रहे हैं और श्री राधिका जी वहाँ पर आके उनके ऊपर छाया कर रही है, ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मध्यान्ह लीला के लिए आई हुई श्री राधिका क्या करती है? रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर छाया करके खड़ी हो गई वहाँ पर, देख रहे। तभी उन्होंने आदेश किया कि तुमको यहाँ अपने लिए कुटिया बनाना होगा। ऐसा कुटीर का निर्माण भी किया है, तो वो भी भगवत सेवा का उद्देश्य से ही किया है, अपने लिए कुछ नहीं है, ऐसी विशेषता है। ऐसा अद्भुत बात उनके आदर्श में देखने को मिले। और वो क्या कर रहे हैं? हर स्थान में जाकर वहाँ की लीलाओं को जो दर्शन कर रहे हैं उनको रचना कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहानियाँ सुन के लिख दिया, वो लोगों ने वो जगह पे जाके उसको देखा, मतलब क्या इसका? 5000 साल पहले भगवान श्री राधा गोविंद देव जी इस भौम लीला को जो प्रकट किया, उसको 500 साल पहले हमारे आचार्य लोग जब गए हैं, वो लोगों ने तब उसका मूर्तिमान रूप से दर्शन किया। आज भी भगवान का वो लीला वहाँ पर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। किसको समझ में आता है? जो आश्रय लेकर के भजन करेगा, क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए भजन करेगा। ऐसा हरिनाम के लिए जो व्यक्ति क्रंदन करते हुए, रोते हुए हरिभजन करेगा कि मुझे आपका कृपा चाहिए, आपका दर्शन मैंने करना है, आपको मैंने पाना है नाथ, तब जाकर के भगवान कृपा करके अपने रूप गुण लीलाओं को उसके सामने प्रकट करते हैं। नहीं है तो भगवान उसे नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत, मैं योगमाया के द्वारा ऐसे ढका हुआ रहता हूं कि मैं किसी के सामने नहीं आता। ऐसे मजबूर नहीं है ना कि हर एक के सामने आना ही पड़ेगा। भगवान कृपालु है, इसीलिए जगत का पालन तो करते हैं,
लेकिन अपना दर्शन सभी को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उनका दर्शन करना ही नहीं चाहता है, उसको तो भोग चाहिए। लेकिन यहाँ जो भक्त हैं वो सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए अपना जीवन को पूरी तरह से सौंप दिया। अब भगवान उसके सामने अपने आप को छिपा ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको केवल भगवान की महिमा को सुनने से सुख मिलता है, जिसका रहन सहन खान पान सब केवल भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान के अतिरिक्त कुछ और जानता ही नहीं है, तो भगवान उसके बिना और कैसे रह सकते हैं। अम्बरीश महाराज जी के विषय में बोलते हुए भगवान दुर्वासा को ये बात बतला रहे, जो मेरे अतिरिक्त कुछ और जानता ही नहीं है, तुमने सोचा कैसे कि मैं उसके अतिरिक्त कुछ और जान भी सकता? मुझे उसके बिना और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि उसको मेरे अतिरिक्त और किसी चीज से कोई परवाह नहीं, लेना देना नहीं, वो कुछ और जानता ही नहीं, इसलिए मैं भी नहीं जानता हूं। ऐसा यहां आगे बतला रहे। वो बोलते हैं इनकी ये सारी बातें सुनकर जो भी महाप्रभु के संग में भक्त लोग होते थे, वो लोगों को बड़ा सुख होता था, लोगों को बहुत सुख होता था, इतना आनंद आता था। और यहाँ पर श्रील कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं, चैतन्येर कृपा जहाँ, जिनके ऊपर महाप्रभु का कृपा है, वो बोलते हैं उसके ऊपर जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाप्रभु के कृपा जिसने पाया, महाप्रभु के कृपा से जो सराबोर है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, उसके साथ ऐसा ही होना होता है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर जब वैराग्य का प्राबल्यता हुआ, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वैराग्य का भाव आया। अब उनकी माता कह रही है कि इसको रस्सियों से बांधो, ये तो भाग जाएगा, ये तो रस्सियों से बांध दो, ठीक है ना। बोलते रस्सी से बांधने को बोला वहाँ पे, क्योंकि वैराग्य बहुत है और रहेगा नहीं घर में, बार बार भाग जाता है। तो माता ने बोला कि रस्सियों से बांध के रख देते। उनके पिताजी कहते हैं कि तुम पगली है। वो बोलते हैं इंद्र जितना ऐश्वर्य है, इतना पैसा घर में, और इतनी सुंदर पत्नी जिसको बांध नहीं सकी, तुम रस्सी से बांधने की बात करती है। वो बोलते श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो पागल है, उसके साथ ऐसा ही होता है, उससे आप और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। महाप्रभु का प्रेम, भगवत प्रेम का ये वैशिष्ट है, वो आपको संसार के प्रति आसक्त नहीं होने देगा। जब तक हमारे अंदर संसार के प्रति आसक्ति और दुनिया के लाभ पाने की ललक है, मतलब हम लोग महाप्रभु के उस कृपा को पाने के लिए अधिकारी नहीं बने हैं। एक ही चीज को चुनना होगा, या ये या वो। महाप्रभु का कृपा जिसके ऊपर हो गया, उसको और कोई चीज अच्छा लग ही नहीं सकता, उसको तो कुछ और चीज से मतलब ही नहीं होता। व्यवहारिक जीवन की बात अलग है, लेकिन व्यवहार अलग है और अनुराग अलग है, आसक्ति अलग है। आदमी दुकान में काम करता है, कंपनी में नौकरी करता है, गालियां सुनता है, सब कुछ करता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि कंपनी ऊपर उठ जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उससे कुछ अच्छा ऑप्शन मिलता है, छोड़ करके वहाँ स्विच कर जाता है। क्यों भाई? दिन रात तुम यहाँ पर मेहनत किया, लॉयल नहीं है वो, उसको लॉयल्टी क्या, उसको उससे लेना देना ही नहीं है। उसका लेना देना क्या, किसके साथ है? जिन लोगों के लिए उसको वो सब करने के लिए वो बाध्य हो रहा है, अपना, मेरे स्वजन, मेरा परिवार के जो वो लोगों के लिए है।
ऐसा। तो इसलिए वो व्यवहार है, ये अनुराग तो इधर है जिनके लिए हम वो सब कर रहे हैं। ऐसे ही बताया, वही अनुराग भगवान के चरणों में हरिपाद पद्म में हो जाए, हरिपाद पद्म में अनुराग हो जाए, उसके बाद अपने आप ही जगत व्यवहार तक सीमित होकर के रह जाएगा। आज जगत के साथ अनुराग बनाने के कारण भगवान के साथ व्यवहार होता है, इसीलिए हम लोगों को कुछ भी अनुभव नहीं होता है। ये बात प्रभु जी कह रहे थे, लोग धर्मार्थ काम के पीछे ही भागते, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, प्रेम को तो भूल ही जाओ। लेकिन अगर बड़ी सूक्ष्म विचार से देखते हैं तो लोगों के भाग्य में धर्मार्थ काम भी नहीं है, क्योंकि उनको उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किसी को समझ आता ही नहीं है। इन सब कारणों से उन लोगों को भगवत कृपा कभी भी नहीं अनुभव होता, मिलता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया किस तरीका से रहना है। यहाँ क्या बता रहे हैं, पहले कहने लगे रूप सनातन गोस्वामी को प्रेम भक्ति रसकूप और उससे पहले यहाँ पर रूप सनातन गोस्वामी के वैराग्य त्याग आदि की जो पराकाष्ठा है उसको दिखलाया कि देखो ये वैराग्य है, ये त्याग है, इन सब चीज़ की जो पराकाष्ठा है यहाँ पर दिखलाया। तो बोलते हैं किसी को इन सब चीज़ों के कारण लगे वो साधारण साधक हैं, इसके लिए और स्पष्ट कर रहे हैं प्रेम भक्ति रसकूप। प्रेम भक्ति रस के कूप हैं, कुआं हैं बता रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों कौन हैं, मंजरियाँ हैं व्रज व्रज के अंदर, जो भगवान के नित्य सेवा के अंदर, जो कि व्रज रस का जो साधना का इस जगत में प्रचार करने के लिए महाप्रभु की इच्छा से, श्याम सुंदर की इच्छा से इस जगत के अंदर आचार्य रूप धारण करके कृपा किया। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, जैसे महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित तनु होने के बाद भी श्री राधिका के उस प्रेम को आस्वादन करने में मग्न रहते थे, डूबे रहते थे, जैसे गंभीरा में रहते हैं पूरी रात्रि, पूरे दिन, पूरा समय क्या करते थे, केवल इसी में डूबे रहते थे। 24 साल के उम्र में संन्यास लिया, उसके बाद कितने साल, 6 साल तक भ्रमण किया और उसके बाद बाकी के 18 साल लगभग पुरुषोत्तम धाम में ही रहे, और विशेष रूप से आखिरी के 12 साल तो कहीं गए ही नहीं, वहीं पर रहे। और रात्रि दिन एक ही काम है, वो क्या है, भगवान श्री राधा गोविंद देव जी के एकांत लीलाओं का अंतरंग भक्तों के साथ में चिंतन, यही कर, उसी में डूबे रहते, उसी का रस का आस्वादन करते हैं। वो बोलते क्या, वो बोलते स्वयं को एक साधक ही समझा, महाप्रभु ने स्वयं को भगवान के रूप में ना रख कर एक भक्त के रूप में ही रहता, क्योंकि भक्त भाव को अंगीकार करके आए हैं। इसीलिए वो बोलते हैं हर चीज का एक नियम, एक विधि पूर्वक चिंतन करते हुए वो क्या कर रहे हैं, रस का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे ही रूप सनातन गोस्वामी भी भगवान के नित्य पार्षद होकर वो लोग क्या कर रहे हैं, एक साधकों की तरह, साधक भक्तों की तरह ये लोग इस प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने लगे, रसास्वादन करने लगे।
लेकिन वास्तविक विचार से अगर हम देखें, शास्त्र के नियम से, बातों से मालूम पड़ता है कि ये दोनों प्रेम भक्ति रस के कूप है, कुआं है। ये दोनों ही जो है ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी साधक भाव में रहकर वो लोगों ने इस प्रेम का निरंतर आस्वादन किया। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। एक कुएं के साथ में तुलना किया, कुआं तो छोटा होता है, इतना सा होता है ना, नदी होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए प्रेम भक्ति का, ये तो कुएं के साथ में तुलना किया। यहाँ पर उसके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे कि रूप सनातन गोस्वामी को प्रेम भक्ति रसकूप क्यों बोल रहे हैं, इनको उज्ज्वलमय तनु किस लिए कह रहे हैं, वो सब हम लोग कल श्रवण करें। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।